नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम मास्टर ग्रेड और डिफरेंट साइजिंग सिस्टम जो अपैरल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की क्लोथिंग्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर ग्रेड की। मास्टर ग्रेड होता क्या है? मास्टर ग्रेड को मास्टर ब्लॉक भी कहते हैं और जिसको हम बेसिक पैटर्न भी कहते हैं, जिसका प्रयोग डिफरेंट टाइप के साइज के पैटर्न्स को बनाने के लिए, मीन्स की डिफरेंट टाइप की क्लोथिंग जो डिफरेंट साइज की हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। जो मास्टर ग्रेड होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज का होगा, उसका प्रयोग करके हम उससे ऊपर एक या दो साइज ऊपर नीचे और एक दो साइज नीचे की ओर प्रयोग करके हम अलग अलग साइज के क्लोथिंग का निर्माण कर सकते हैं। जब हम मास्टर ग्रेड की बात करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमारे सेंटर फ्रंट है, सेंटर बैक चोली का जो है वो हमारे बेसिक मास्टर पैटर्न्स हैं, वैसे हमारे स्लीव्स के होंगे और वैसे हमारे स्कर्ट्स के होंगे और पैंट्स के होंगे। अब हम बात करते हैं विभिन्न माप प्रणाली की, साइजिंग सिस्टम जो क्लोथिंग इंडस्ट्री द्वारा प्रयोग किया जाता है। मानव नीति शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जॉर्ज कुवियर द्वारा खोजा गया है। पिछली शताब्दी के दौरान किसी दिए गए जनसंख्या के भीतर विशिष्ट समूह के आकार और माप को निर्धारित करने के लिए कई छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण किए गए, जिनके द्वारा अलग अलग साइजिंग सिस्टम का डेवलप किया गया और उनका प्रयोग क्लोथिंग इंडस्ट्री द्वारा किया गया। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं, इन सर्वेक्षण में छोटे नमूने लिए गए थे और उनकी वैज्ञानिक पद्धति में कुछ कमी थी, जिसके कारण उनका जो यूज़ था बहुत लिमिटेड था। इसी दौरान 1951 में और 1968 में एक बड़े पैमाने में सर्वेक्षण किया गया, जिसका बहुत ही महत्व है क्योंकि इसमें महिलाओं की माप और आकार में एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया था, क्योंकि बहुत हद तक वे अभी भी महिलाओं के माप और आकारों के लिए एकमात्र आधिकारिक आधार प्रदान करता है। सर्वेक्षण वाले जो देश थे वो थे अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस इसमें शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1948 और 1959 के बीच विभिन्न परिवर्धन के साथ सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में 10,000 महिलाओं का एक नमूना शामिल किया, जिसमें प्रत्येक महिला के उन्होंने इंडिविजुअली 49 मेजरमेंट्स लिए और उनका एवरेज निकाल के उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वेक्षण के द्वारा मानव शरीर के नाप में संबंधित सर्वेक्षण का एक निश्चित उदाहरण है, जो विशेष रूप से कपड़े उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड में 1951 के दौरान लगभग 50,000 महिलाओं को शामिल किया और उन्होंने उनकी माप ली और प्रत्येक महिला का उन्होंने 37 माप ली और 1956 में इसको प्रकाशित किया एक रिपोर्ट में, और 18 और 65 वर्ष की आयु की महिलाएं इस आबादी में शामिल थी और जिनका विस्तृत विश्लेषण किया गया। 1970 में होहिन स्टीना इंस्टीट्यूट द्वारा बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण में उन्होंने 10,000 महिलाओं को शामिल किया और प्रत्येक महिला का उन्होंने 21 माप ली और इस रिपोर्ट को उन्होंने 1973 में प्रकाशित किया। उसमें नामकरण की एक नई प्रणाली को उन्हें प्रस्तावित किया, जिसमें कि डिफरेंट साइजिंग सिस्टम जब बात करते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की साइजिंग सिस्टम को वहाँ पे प्रेषित किया और जिसे तब से पूरी जर्मनी में अपनाया गया है। और फ्रांस में कपड़ा निर्माता महासंघ ने 1968 में कपड़ों की तकनीकी केंद्र द्वारा सर्वेक्षण किया गया था और इन्होंने सर्वेक्षण में 80,000 महिलाओं को शामिल किया और प्रत्येक महिला के 26 माप लिए। और जब सर्वेक्षण किया गया तो उन्होंने शरीर की माप ली, जिसमें उन्होंने शरीर में कपड़े वाला क्षेत्र है और जो जहाँ पे कपड़े नहीं है उस माप को समायोजित करने के लिए उन्होंने अनुरूप लाने के लिए समायोजन की प्रक्रिया को शामिल किया। और सभी सर्वेक्षण ने माप लेने के लिए समान बुनियादी प्रक्रियाओं का उपयोग किया और मानक टेप का अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के कैलिब्रेटेड उपकरणों का प्रयोग किया, जिससे कि मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी आ सके। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट साइजिंग सिस्टम जो प्रयोग किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर साइजिंग सिस्टम की। तो अंग्रेजी अक्षर जैसे एस, एम, एल और एक्सेल आदि का प्रयोग सार्वभौमिक है। इसके अतिरिक्त ए, बी, सी, डी का भी प्रयोग किया जाता है लेटर साइजिंग सिस्टम में। एस जो है वो स्मॉल साइज के लिए शामिल है, एम फॉर मीडियम साइज के लिए, एल फॉर लार्ज और एक्सेल हमारा लार्ज से बड़े साइज के लिए है। इसमें हमारा डबल एक्सेल भी आता है, ट्रिपल एक्सेल भी आता है।
जब यह जो लेबलिंग सिस्टम है एक अधिक सामान्य तरीका है, यह एक आमतौर पर जो फिटेड गारमेंट्स होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जब रेडीमेड गारमेंट्स हम परचेज करते हैं, शर्ट्स हैं, इवन सूट हैं या कुर्ती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे सीम अलाउंसेस हैं, सीम अलाउंस बहुत लिमिटेड होता है। मीन्स ये फिटेड कपड़े होते हैं, जब इनमें अगर हमारा अगर कुछ हम साइज़ में चेंज आता है, अगर उसको हम खुलवाना चाहें तो वो खुला नहीं सकते क्योंकि उसमें सीम अलाउंस ही नहीं है, कोई ईजी नहीं होती लास्ट में। तो ये फिटेड गारमेंट्स होते हैं और इनकी जो साइजिंग सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट्स को लेकर, सपोज कि जैसे इसमें स्मॉल दिया हुआ है तो इसकी नंबरिंग, सपोज इसमें बस साइज कितना होगा, 20 होगा, 20 से 24 के बीच में होगा, एक एग्जांपल की मैं बता रही हूँ। तो हर इंडस्ट्री का अपना अलग साइजिंग सिस्टम है। अगर वो स्मॉल में कोई 20 बस साइज से 28 तक ले रहा होगा, वहीं पर कोई दूसरी इंडस्ट्री जो स्मॉल साइज है उसमें 24 से 26 के बीच में होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल साइजिंग सिस्टम की बात। जो सेकंड हमारा साइजिंग सिस्टम है वो है न्यूमेरिकल, इसमें कि हम नंबरों का यूज़ कर रहे हैं। संख्यात्मक साइज लेबलिंग प्रणाली का अनुसरण करता है। इसमें यूरोप में संख्यात्मक प्रणाली वास्तविक माप और साइज संख्या में संबंधित है, जैसे कि 30, 32, 34, 36, 38, इस टाइप का साइजिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जो 30 नंबर दिया हुआ है वो बस साइज़ को देख के दिया, जो 30 साइज़ का होगा उसमें बस साइज़ जो हमारा हुआ 30 होगा और 32 में 32 बस साइज़ होगा, लेकिन मे भी कोई उसमें जो हमारा साइज़ है बस का वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। वहीं पे जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो साइजिंग प्रणाली यूज़ की जाती है उसमें उनका जो नंबरिंग सिस्टम है वो 0 से स्टार्ट होता है और 2, 4, 6, 8 तक ख़त्म होता है। वहीं पे जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे क्या है कि 10 से स्टार्ट करते हैं, उनकी जो साइजिंग प्रणाली है वो 10 से है। उसमें जो बस साइज़ है वो हमारा अलग हो सकता है, मीन्स वो 28 भी हो सकता है, जो मतलब कि उनकी जो साइजिंग सिस्टम है उन्हें निर्धारित करा होगा कि 10 साइज़ वो किस नंबर को देंगे, बस साइज़ को वो उसको देंगे। तो लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि इस स्लाइड में कि न्यूमेरिकल साइजिंग सिस्टम भी है वो भी सब जगह अलग अलग है, कहीं पे वो 30 से यूज़ हो रहा है, कहीं पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र साइज चार्ट में क्या हमारे इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें देखिए कि आपका जो यूके है, यूके में क्या है 10 से स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे यूरोप में है वो 38 से स्टार्ट कर रहे हैं और संयुक्त राज्य में वो 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो स्टैंडर्ड साइज सिस्टम है, मानक माप वर्गीकरण है, उसके बारे में बात करेंगे। मानक माप वर्गीकरण क्या है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि साइज संख्यात्मक माप प्रणाली के अंदर सामान्य मानक माप वर्गीकरण क्या है, साइज इसमें क्या स्टार्ट 0 से 10, जिसमें बस्ट, कमर और कूल्हे की परिधि की जो कि माप में जो डिफरेंस होगा वो 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच का होगा, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया गया था। और वहीं पे जब साइज 10 से ऊपर आ रहा है तो उसकी जो हमारा बस साइज है, कमर है और कूल्हे के बीच की जो साइज में डिफरेंस होगा वो 3.9 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 इंच के जो अंतराल है वो डिफरेंस जो हमारा है वो 1.5 इंच का होगा। अक्षम माप प्रणाली के लिए जो सामान्य मानक माप वर्गीकरण है उसमें क्या है, जो हमारा साइज स्टार्ट हो रहा है P2L जो स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है कि हमारा बस साइज है और कमर और कूल्हे की परिधि माप में जो अंतराल है वो हमारा 2 इंचेस का है। वहीं पे जो लार्ज साइज है या लार्ज से ऊपर जो हमारा साइज है उसमें हमारा जो बस्ट, कमर और कूल्हे की मीन्स जो बस्ट है, वेस्ट और हमारे हिप की जो डायमीटर है उसमें जो डिफरेंस है वो 3 इंचेस का है। अब हम बात करते हैं अक्षम माप प्रणाली में साइज की एक विस्तृत श्रृंखला का समावेश कैसे करते हैं। जब हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल है, एस जो है वो हमारा क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है, उसमें जो हमारा साइज सिस्टम होगा 0 to 2 होगा। जो अगर हम न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट, जब हम न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट साइजिंग सिस्टम की बात में बात कर रहे हैं, वहीं भी जो स्मॉल है, स्मॉल वाले में हमारा 4 to 6 है और मीडियम वाले में हमारा 8 to 10 बस साइज है और जो लार्ज है उसमें 10 to 12। अगर सपोज किसी उसमें हमारा साइज दिया है 10 या 12 साइज लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लार्ज है, दूसरे कंट्री में उसको लार्ज के उसमें स्केल में लिया जा रहा है। एक्सेल के लिए हमारा 12 to 14 है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके अलग अलग साइजिंग सिस्टम हैं और उनका कंपेरेटिव हम कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग कंपेरिजन के लिए हमारे पास चार्ट्स हैं होते हैं और उनका प्रयोग करके हम अलग अलग साइज के गारमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे
अलग-अलग साइज की महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए फिट होगा, और उनका प्रयोग करके हम अलग-अलग टाइप के गारमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।